नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका आज हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सीईटी के एग्ज़ाम की आंसर की के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, देरी से आए हैं, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 100% ऑथेंटिक आंसर की लेके आए हैं। आप देखिएगा, जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो ये 100% उस ऑफिशियल आंसर की से मैच करेगी। कुछ एकाध क्वेश्चन इस जो छः मैं बात करूँगा, 6 नवंबर इवनिंग शिफ्ट के पेपर की मैं बात करूँगा, अपने सेट के हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो एंथ्रासाइट क्या है, यू नो जीके के क्वेश्चन से इसमें दिया हुआ है, आप अपने सेट के हिसाब से देख लीजिएगा। किसी में मैथ्स होगा, किसी में इंग्लिश होगा, किसी में हिंदी पहले होगी, किसी में हरियाणा जीके। तो ये भी जिस स्टूडेंट का पेपर है, मैंने उसी के हिसाब से इस पर 100% ऑथेंटिक आंसर सी की, मानो 100% यू नो थोड़ी सी देर केवल इसी में लगी है स्टूडेंट इसको पता करने में कौन सा कहाँ आंसर है, कैसे है। कुछ एक आंसर ऐसे हैं कि उसमें हरियाणा एसएससी की तरफ से आपको बोनस अंक मिलेंगे, क्योंकि कुछ के आंसर ही नहीं है इसमें, क्वेश्चन कुछ है और आंसर उसमें है ही नहीं, मैच नहीं कर रहा। तो आइए, समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, आज की सीरीज को हम शुरू करते हैं। एंथ्रासाइट क्या है पहला क्वेश्चन है, पहले का तीसरा है स्टूडेंट, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का दूसरा है, आप अपनी आंसर की के हिसाब से देख लीजिएगा। चौथे का चौथा है, नौवें का चौथा है, नौवें का चौथा है मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है। दसवें का है बी और सी, ग्यारहवें का पहला है, बारहवें का दूसरा है, तेरहवें का दूसरा है। अच्छा, पहले कुछ रह गए यार, चौथे के बाद पाँचवा रह गया ना, हाँ ऊपर है इसमें। पांचवें का चौथा है, छठे का तीसरा है, सातवें का चौथा है स्टूडेंट, और आठवें का दूसरा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ये हम बता चुके हैं, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, बारहवें का दूसरा है, तेरहवें का भी दूसरा है, चौदहवें का चौथा है, पांचवें का थर्ड है, सोलहवें का सेकेंड है, सत्रहवें का फोर्थ है, आप अपनी आंसर की के हिसाब से देखिएगा। संगीतकार गाना, अठारहवें का दूसरा है, उन्नीसवें का फोर्थ है, बीसवें का फर्स्ट है, इक्कीसवें का फर्स्ट है, बाईसवें का थर्ड है, तेईसवें का थर्ड, चौबीस का थर्ड, पच्चीस का सेकंड, छब्बीस का थर्ड, आप फटाफट देख लीजिएगा, सत्ताईस का सेकंड, अट्ठाईस का सेकंड, उनतीस का फर्स्ट, तीस का फर्स्ट, इकतीस का दूसरा, मैथ्स में 1540, 32 का 2475 फोर्थ है, 33 का फर्स्ट है, 34 का सेकंड है, 35 का फोर्थ है स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा फटाफट। 36 का सेकंड, 7 का 123.75, 38 का थर्ड है, 39 का फर्स्ट है, 40 का फर्स्ट है, 41 का फर्स्ट है, 42 का थर्ड है, मैथ्स ही चल रहा है अभी, 43 का फोर्थ है एंड 44 का फोर्थ है और 45 का भी थर्ड है स्टूडेंट। फिर यहाँ से इंग्लिश शुरू होती है, आप अपने सेट के हिसाब से देख लीजिएगा। 46 का दूसरा है, 47 का तीसरा है, 48 का दूसरा है, फिर इधर आ जाते हैं इसमें, 49 का तीसरा है, 50 का फर्स्ट है, 51 का फोर्थ, 52 का सेकंड, 53 का फोर्थ। और हमारी जो पिछली आंसर की है, इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट की देख सकते हैं स्टूडेंट। 54वें का दूसरा है, 55 का फोर्थ है, 56वां का तीसरा है, फिर इधर आते हैं इसमें, 57 का फर्स्ट है, 58 का सेकंड है, 59 का फोर्थ है और 60 का है थर्ड। 61 हिंदी स्टार्ट होती है स्टूडेंट यहाँ से इस सीरीज में। 61 का तत्सम शब्द नहीं है, रात नहीं है, यू नो फोर्थ ऑप्शन है। 62 का सेकंड है, 63 का सेकंड है, 64 का सेकंड, इधर गए, 65 का भी सेकंड है, 66 का थर्ड है, 67 का फोर्थ है, 68 का थर्ड है, 69 थर्ड, 70 फर्स्ट, 71 थर्ड, 72 फोर्थ, 73 का है फोर्थ ऑप्शन है मति प्लस में, अभिमान मत्याभिमान, 74 का फर्स्ट है पुरलिंग नाटक,
नाटक अच्छा है तो यू नो पुरलिंग इसका यही होगा। 75वीं का दूसरा है, 76वीं यहाँ से हरियाणा जी के स्टार्ट है। स्टूडेंट आप अपने सेट के हिसाब से देखिएगा। उदय भानु अंश है, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है, 77 का है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 78 का, किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे साक्षी मलिक इज़ द राइट आंसर, बट साक्षी मलिक आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो अब हरियाणा एसएससी एनटीए इसमें आपको बोनस अंक देगी, क्या करती है, या इसका पांचवा आंसर माना जाता है कि भाई आपको नहीं पता था तो आप उत्तर नहीं देना, तो पांचवा तो यहाँ पर मायने ही नहीं रखता। पांचवा तो केवल ये है कि वो खाली नहीं छोड़ना है, लेकिन इन चार में से ऑप्शन नहीं है। कांस्य पदक इनमें से किसी ने नहीं जीता है, तो इसका बोनस अंक आपको मिलने वाला है। 79 का थर्ड, 80 का थर्ड, 81 का थर्ड, 82 का सेकंड, 83 का फोर, 84 का सेकंड, 85 का सेकंड, 86 का भी सेकंड है, 87 का फर्स्ट, 88 का फोर्थ, 89 का सेकंड, 90 का सेकंड है, 91 सेकंड, 92 थर्ड, 93 थ्री एंड 94 का फर्स्ट है स्टूडेंट, 95 का थर्ड, 96 फटाफट चिंकारा प्रजनन कैरो भवानी बहुत बढ़िया फर्स्ट है इसका, 97 का भी फर्स्ट है और 98 का थर्ड है और 99 का सेकंड और 100 का सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपने ये 6 नवंबर इवनिंग शिफ्ट का जो हाँ 6 नवंबर इवनिंग शिफ्ट की आंसर की के बारे में आज की क्लास में हमने जाना। स्टूडेंट ये ऑथेंटिक आंसर की आप इसको समझिएगा। एक दो क्वेश्चन में जिसमें डाउट था मैंने बताया, बोनस अंक आपको हरियाणा एसएससी के द्वारा मिल सकता है उसमें, और जैसी भी कोई नई अपडेट आती है तो स्टूडेंट आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। और स्टूडेंट ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आज हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, यहाँ पर आपको साइंस की स्पेशल क्लास भी दी जाती हैं। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। और स्टूडेंट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी मैं हाल ही में केमिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कराने वाला हूँ, और केमिस्ट्री के एक बहुत ही शानदार सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो आप उसका एक दो दिन इंतज़ार करिएगा, फिर उसी अंदाज में केमिस्ट्री की क्लास लेकर आपके बीच में हम हाजिर होंगे। तो स्टूडेंट आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में केवल इसी के बारे में हमें चर्चा करनी थी, तो आगे फिर आपसे ऐसे ही नई मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट।